आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के पास सुकून नहीं है। पैसा तो है लेकिन खुद के लिए समय नहीं है, जिसके कारण मनुष्य को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है तथा दवाइयों पर ही उनका जीवन होता है। ऐसे में आप सभी यदि समय का थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन को दिया तो जीवन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन से मिलती है सुकून और शांति, जिससे कोई भी बीमारी आपके शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं छू सकती। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन करने के क्या फायदे होते हैं आचार्य सुधाकर चौधरी से। दर्शकों नमस्कार, IN24 में मैं आपका तहे से स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवा रहे और जान रहे उनके कार्यों के बारे में। आज हमारे साथ में है आचार्य सुधाकर चौधरी, जो कि जाइबाई स्कूल के डायरेक्टर है। साथ ही साथ वो मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज का जो जीवन चक्र चल रहा है वो कहीं ना कहीं भगदौड़ का है, तो हमारे स्वास्थ्य का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हम सीधे मिलते हैं उनसे और जानते हैं मेडिटेशन के बारे में। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। तो मुझे बताइए कि आज की जो हमारी लाइफ है वो काफी मतलब भागदौड़ वाली है, तो हम अपने जीवन में हमें काफी सारी सुख सुविधा है लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, इस बारे में मेडिटेशन सबसे ज्यादा क्या अहम रखता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मेडिटेशन के बारे में आज बहुत से गलत फहमियां हैं। पहली बात कि मेडिटेशन साधु संतों का काम है। जी जी। दूसरी बात ये बहुत हार्ड होगा। तीसरी बात के लोग मेडिटेशन का अर्थ नहीं समझे कि मेडिटेशन क्या है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम समझ लें कि मेडिटेशन क्या है। तो मेडिटेशन तीन मायने रखते हैं मेडिटेशन को। पहला कि ट्रेन दाय माइंड, अपने मन को प्रशिक्षित करो, क्योंकि मन ही सारे गड़बड़ का कारण है। बिल्कुल सर। तो भगवान बुद्ध ने कहा है मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पसन्न न भासती वा करोती वा ततोन सुखमन वेती छाया वन पाहिने। अर्थात मन ही प्रमुख है और मन से ही सारा निर्माण होता है। जब हम कोई भी काम कार्य या विचार कुशल चित्त से करते हैं जी। तब सुख हमारे पीछे वैसे ही आता है जैसी कभी भी साथ न छोड़ने वाली छाया। बिल्कुल। अर्थात तो मन के लिए मन को प्रशिक्षण देना निहित आवश्यक है। जी जी। तो पहला मेडिटेशन का अर्थ है कि हम मन को प्रशिक्षित करें। जी। दूसरा होता है बी अवेयर, यानी सजग हो जाए। आप गाड़ी चला रहे सजग नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, स्टेयर केस से रोज उतरते हैं मगर सजग नहीं है तो गिर जाएंगे। हर चीज में सजगता बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कहीं ना कहीं मन हमारा उस बात को एग्री करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब जाके हमें सजगता यानी जागरूकता जी अवेयरनेस। तो मेडिटेशन का दूसरा अर्थ है कि बी अवेयर। पहला अर्थ है ट्रेन दाय माइंड, मन को प्रशिक्षण करो, उसके लिए मेडिटेशन है। दूसरा है कि बी अवेयर, यानी आप सजग हो जाए, हर एक चीज में सजग हो जाए। रोटी बना रहे सजग हो जाए, ठीक है, तो हर एक चीज में सजग हो जाए। और तीसरा अर्थ है कि थॉटलेस माइंड, ये एक स्थिति है। बिल्कुल। तो ये स्थिति में बहुत सारे दुनिया की खूबसूरत चीजों का निर्माण हुआ, जैसे जिसने डिजाइन बनाया ताजमहल का उसने उस स्टेज में बनाया है। सर आज हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ भी होता है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा समाधान सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है कि हम वो उससे करते करते भी हमारे स्वास्थ्य को हम ध्यान रखते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छे तरीके से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो ज्यादातर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा है कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो उस बारे में भी हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें भी क्या कहना चाहोगे आप? तो दोस्तों इस पे मैं बुद्ध का एक वचन बताऊंगा, आरोग्य परम लाभा, आरोग्य परम लाभा संतुष्टि परम धनम, विश्वास परम ज्ञाते निबाणम परम सुखम। अर्थात आरोग्य परम लाभा यानी आरोग्य सबसे श्रेष्ठ लाभ है। अब लाभ की बातें करने वाले पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं, कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं, रात दिन पैसा होने के बाद भी दौड़ रहे हैं, उन्हें उसका मतलब नहीं समझा। इसलिए आरोग्य शब्द को समझ ले पहले। आरोग्य तीन प्रकार का होता है, एक शारीरिक आरोग्य जो हम प्राप्त कर सकते हैं अच्छा डाइट,
एक्सरसाइज इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हो गया शारीरिक आरोग्य। मानसिक आरोग्य ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए धम्मपद में बहुत अच्छे सूत्र दिए हुए हैं। तो मानसिक आरोग्य के लिए अच्छी अच्छी चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा और मन के बारे में जानना होगा। मतलब हमें खुद के डाइट पर ध्यान देना चाहिए, हमारा मन विचलित ना हो ऐसा कुछ करना चाहिए, उसके लिए आपको ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी, तो मन के आहार के लिए ध्यान जरूरी है जी। अब ये ध्यान क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे जी जी। और तीसरा ये महत्वपूर्ण आरोग्य है वो बौद्धिक आरोग्य। देखिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, तीन प्रकार से आरोग्य अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे संपूर्ण गुड हेल्थ यानी आरोग्य प्राप्त होगा। मगर कैसी प्राप्त करना चाहिए इसके बारे में अज्ञान हमारे दुख का कारण है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान ही दुख का कारण है। अविद्या पच्चा संकारा, संकारा पच्चा विज्ञानम, विज्ञानम पच्चा नाम रूपम, नाम रूपम पच्चा पस्या, पस्या पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तनहा, तनहा पच्चा उपादानम, जाते जरा मरना दुख। तो दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान से बने हुए संस्कार हमारे दुख का कारण। वैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मार्गदाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता, मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, और वो मार्ग उनके वचनों में है। और बुद्ध तो कोई भगवान नहीं थे, वे साइंटिस्ट थे बिल्कुल। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवन पर अनुसंधान कर सुख का मार्ग ढूंढ निकाला। आप देखेंगे कि मेडिटेशन हर जगह है। आप मस्जिद में जाइए, मुसलमानों के पास मेडिटेशन है, क्रिश्चियन के पास जाइए वहां मेडिटेशन है, हिंदू समाधि मार्ग है, और बुद्धिस्ट तो उनकी संस्कृति ही मेडिटेशन है। जैन भी मेडिटेशन करते, और हमें इनके पास देखेंगे हम लोग कि गुरु नानक जी, ये भी मेडिटेशन, यानी हर मजहब में मेडिटेशन है, अहमियत दी गई है, अहमियत दी गई है जी बिल्कुल। पर हम लोगों ने महापुरुष के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जी जी। तो मुझे अभी हम देखते हैं कि मार्केट में जो मतलब योगी जो होते हैं वो काफी सारे ऐसे, उन्हें लगता है कि योगी मतलब जो रोगी होते हैं कहीं ना कहीं योग करके भी इन्हें निरोगी किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में कई सारे ऐसे मतलब ऐसे कई सारे प्रोडक्ट निकले हैं कि लोग उनके तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो मेडिटेशन की तरफ लोग कम आकर्षित दिखाई दे रहे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? इसका कारण ही हम लोग वो बुद्ध वचन में देख रहे थे कि आरोग्य जो तीन प्रकार का है, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धनम। अब लोग पैसे के पीछे दौड़ते तो आरोग्य को भूल जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल सारी बात है। तो संतुष्टि परम धनम, अगर तुम संतुष्ट रहना सीख लिए तो एक श्रेष्ठ धन है। विश्वास परम ज्ञाति, अब जरा इसको समझ लीजिए, विश्वास यानी अंधश्रद्धा नहीं, प्रज्ञा से प्राप्त जो विश्वास है उसको भगवान बुद्ध ने आगे किया। वो कहते हैं कि विश्वास परम ज्ञाति, श्रेष्ठ बंधु है। अब आप चल रहे हैं रास्ते से और उधर से गाड़ी आ रही है, विश्वास से चल रहे हैं कि वो मुझे ठोकेगा नहीं? जी बिल्कुल इजी है, राइट? तो उस सवाल है कि विश्वास से बड़े बड़े कारोबार भी चलते हैं, पर विश्वास के लिए प्रज्ञा होनी चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा का लॉस सबका लॉस है, तो प्रज्ञावान बनो, और प्रज्ञावान बनने के लिए मेडिटेशन निहित आवश्यक है। तो फिर मेडिटेशन के लिए फिर उन्होंने तीसरा बताया कि विश्वास परम ज्ञाति निब्बानं परम सुखम। निब्बान का मतलब होता है काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मत्सर, इससे मुक्ति जी। अगर इससे मुक्त हो जाओ तो जीवन कितना सुंदर है। देखिए मैंने मेरे शिविर में सब लोग आते हैं, क्रिश्चियन मुसलमान ओबीसी बुद्धिस्ट बैन सब लोग आते हैं। सर आप का मतलब कई सालों से शिविर चला रहे हो मेडिटेशन के लिए, बच्चों को आप प्रोत्साहित करते हो कि हमें क्या हमारे जीवन के लिए क्या करना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट है, ये आप बताते हो। सर एक जाते जाते एक सवाल करना चाहूंगी कि लोग कहीं ना कहीं आज लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, और कई सारी बीमारियां अभी हम देखते हैं, डायबिटीज हो गए, कई सारी बीमारियां हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं दूर करना चाहिए, और हमें किस तरह से मेडिटेशन के लिए समय निकालना चाहिए, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में इसलिए विस्तार से बताइए। बिल्कुल आसान बात है, समय किसके लिए नहीं रुकता? पहली बात है कि समय किसके लिए नहीं रुकता, समय को आपको पकड़ना पड़ेगा। अब 24 घंटों में आप गणित निकाली तो 6 घंटे आपके सोने में गए, 18 घंटे आपके पास है जी। समय नहीं निकालना ये बड़ी मुश्किल बात है,
ये कहना ही गलत है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को मेडिटेशन सिखाया, जो आत्मा रहे मिनिस्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, और कम से कम 20,000 बच्चों को मैंने मेडिटेशन पढ़ाया, और वो सब मेरिट के बच्चे हैं। क्या वो 46% के, 47% के, 10वीं में फेल, ये सब बच्चे मेरिट आए। और जाईभाई चौधरी ज्ञानपीठ में हमने एक्सपेरिमेंट किए और 450 मेरिट आए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे प्राइजेस जाईभाई चौधरी ज्ञानपीठ। ये क्यों? क्योंकि मेडिटेशन का सच में अर्थ उनको सिखाया गया, और मेडिटेशन ज्यादा देर करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल, और ना कोई ज्यादा कोई कर्मकांड की जरूरत है। आप सीधा बैठ जाइए पालथी मांड का अर्ध पद्मासन में, और उसके बाद आप सांस को देखिए। अब सांस ना हिंदू होती है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना बौद्ध, तो सांस तो यूनिवर्सल हो गया, तो ये यूनिवर्सल मेडिटेशन है। आप सांस को देखते रहिए, ये सांस आ रही है, जा रही है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, जी जी, ये पहली स्टेज है। उसके बाद सांस जहां स्पर्श करती है उस स्थान को देखिए, उस स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उस स्थान पर जो वेदनाएं हो रही हैं उसे जानिए। अब वेदना अपने शरीर में 108 वेदनाएं हैं, ये ओठों पर उसके सेंसर्स है, 108 वेदना, छोटी सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद, अदुखद वेदना, जो सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखिए कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं मेडिटेशन, मतलब कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वो आप ज्यादातर लोगों को बता रहे हैं। सर हम इस बारे में और भी आपसे पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास भी समय नहीं है, और तो इस बारे में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में आचार्य सुधाकर चौधरी, जिन्होंने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया। क्योंकि लोगों के पास पैसा तो काफी है लेकिन सुकून नहीं है, लेकिन एक मात्र ऐसा यह है कि मेडिटेशन हमें करने से हमें काफी हद तक हमारी बॉडी को एक अच्छा सुकून भी मिल सकता है और हमारा दिमाग भी शांत रह सकता है। आप सभी ने, सर ने जो जो बातें बताई है उस पर आप कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, और सबसे महत्व की बात यह है कि हमारा शरीर किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, इस वजह से हम सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। दर्शकों, हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे और जानेंगे उनके कार्य के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आशु के साथ में मैं ज्योति हाड़के, आईएन 24।